नाम विकास हो गए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिनांक 26 तारीख को प्रदेश में रीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देश से स्पेशल टीम को द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों के लिए निगरानी देने के लिए कहा गया था, जिसी के दौरान जवाहर स्कूल में एक व्यक्ति था स्वरूपा राम, जिस पे डाउट हुआ था, जिसको स्पेशल टीम ने यहाँ लाके पेश किया था, जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वो अपने साले दिनेश कुमार की जगह पर डमी कैंडिडेट के रूप में एग्ज़ाम दिया था। स्वरूपा राम को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। कल इस दिनेश कुमार को, जो कि उसका रिश्ते में साला लगता है, इसे गिरफ्तार किया गया है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें 419-420 में मुकदमा दर्ज किया गया था, धोखाधड़ी में किसी दूसरे की जगह पर एग्ज़ाम देने का है, जिसमें इसको गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में पेश किया। दिनेश का पहले भी कोई मुकदमा है क्या? नहीं, ऐसा मुकदमा नहीं।